मैगजीन को कि वो कह रहा है कि सऊदी अरब जो है वो तकरीबन 64 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने लगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब में तो सिनेमा बंद थे, ये हर चीज बंद थी, और ये एक जिसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वहां पर जरूरत नहीं उनको इस तरह की चीजों। सो उनका जो कल्चर है, उन्होंने हिस्ट्री और वो इन चीजों को उन्होंने ज्यादा प्रमोट किया है, और हमने अपना जो मुसलमान हिंदुस्तान में, लेकिन जो हिंदुस्तान में भी मुसलमान थे उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए वोट किया था, क्योंकि वो ख्वाब थी, वो देखना चाहते थे कि मदीना की रियासत से तर्ज पे फुट खड़ा हो। तो दोस्तों ये तो देखा आपने छोटा सा क्लिप, आगे पूरा वीडियो है। इस वीडियो में बात हो रही है सऊदी अरेबिया भारत की फिल्म इंडस्ट्री में निवेश करने वाला है, 64 मिलियन डॉलर का ये निवेश होगा। तो इस तरीके की बात पाकिस्तानी मीडिया के कमर शीमा बता रहे हैं। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के अंतिम भाग में इस टॉपिक पर डिटेल में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और तकरीबन 64 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने लगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। अगर आपको याद हो कि सऊदी अरब में तो सिनेमा बंद थे, ये हर चीज बंद थी, और ये एक जिसे कहते हैं ना एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो थी नहीं, वहां पे अंदर ही बस घरों में रहना है सारा कुछ। अभी उन्होंने क्या किया है कि ये एक टर्न अराउंड किया है, और अभी आपको पता है कि जिसे वो कहते हैं ना, वो सिनेमास के ऊपर जो बैन वगैरह था जो कि 90s 80s में लगा था, वो भी लिफ्ट हो गया है। खवातीन को गाड़ियों की चलाने की इजाजत मिल गई, वो जो मसाइल थे वो खत्म हो गए, और वो सब कुछ खत्म हो गया। अभी आप देखें, और आपको ये भी पता है कि सऊदी अरब जो है वो एक नया शहर बना रहे हैं न्योम, उसमें बेसिकली वो जो विजन 2030 है वहां पे सारी की सारी ये जो फैसिलिटीज हैं, मॉडर्न प्रोग्रेसिव फैसिलिटीज वहां पे दी जाएंगी। और ये जो न्योम सिटी है ये एक सेमी ऑटोनोमस होगा, इसकी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो उसके ऊपर सेपरेट लीगल और रेगुलेटरी मैकेनिज्म सऊदी गवर्नमेंट जो है वो स्टैब्लिश कर रही है वहां पे, क्योंकि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो है उसको स्टैब्लिश करना है। इस वजह से जो सऊदी कल्चर मिनिस्टर हैं वो पहुंचे हैं, और उन्होंने वहां पे बैठ के डील्स की हैं उसके जो इंडियंस के साथ, और वो जो डील्स है जारी बात है। अगर आप देखें, मैंने कुछ 3-4 तस्वीरें लगाई आपके सामने, ये जो मैं देख रहा था, सरदस्त के आमिर खान साहब हैं, शाहरुख खान साहब हैं, अक्षय कुमार हैं मेरा ख्याल है, तो ये जो है इन्होंने जो डील्स की हैं, और ये सऊदी से इनको मिलने आए हैं। बहुत देर पहले मैं एक मेरे दोस्त है बड़े अच्छे, तो वो तहकीक कर रहे थे, एक यहाँ अमेरिका में पढ़ने आए, और उन्होंने कहा कि मैंने एक, वो बेसिकली उनका ताल्लुक मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म पढ़ाने से था, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने एक तहकीक की और मैंने देखा, मुझे पहली दफा पता चला उस वक्त, ये पुरानी बात है 5-6 साल हो गए हैं, तो मुझे पता चला उस वक्त, मुझे पहली दफा पता चला कि जो सऊदीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन बॉलीवुड में, वो बड़ा पैसा लगाते हैं। एंड दैट वॉज ए न्यूज फॉर मी कि ये किस तरह पैसे लगाते हैं, मतलब क्या है। फिर मुझे बाद में पता चला कि ये बिजनेस है फिल्मों में इन्वेस्ट करना और इस तरह की चीजें। और अब ये इमेजिन करें आपके सऊदी अरब और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो किस तरह के हैं। पाकिस्तान में तो बैठ के लोग कह रहे होंगे, लो जी सऊदी अरब बड़ा मुसलमान भरावे, तो सऊदी की करण डे ने इंडियन दे नाल मिल गए ने, हिंदुआ ना मिल गए ने। भाई द पीपल जो जो वो लोग जो समझते हैं कि हमें अपने मुल्क को आगे लेके चलना है, आप जो है वो किसी चीज पर रुकते नहीं है। अब अगर देखें सऊदी जो है दे आर पुटिंग 64 बिलियन डॉलर इन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो अब आप इमेजिन कर लें कि उसकी क्या कितनी बड़ी वो जो है वो पैसा लगा रहे हैं। अच्छा हमारा ये है कि हम पाकिस्तान की मैं बात करूं तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह एंटरटेनमेंट से ताल्लुक ही नहीं है। हमारा एंटरटेनमेंट तो होती है कि सियासतदानों को बुरा भला कहो, गंदियां गालियां दो, एक दूसरे के नाल लड़ो, हथी पवो मारो कुटो, ये करो, ये होती है हमारी एंटरटेनमेंट। और हमने सियासतदानों को ही जलील करना होता है, उन्हीं को पंचिंग बैग बनाना है, उन्हीं को हमने सब कुछ करना है और शाम को। लेकिन आप अगर इंडिया में जाएंगे तो वहां पे ये जो जाहिर बात है जो बॉलीवुड है ये बहुत बड़ा नाम है। मुझे याद है कि मैं एक दफा किताब पढ़ रहा था जोसेफ नाइक की, उस वक्त हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे सॉफ्ट पावर का, तो उसमें उन्होंने सॉफ्ट पावर पढ़ा रहे, तो मैंने उसमें देखा कि इंडिया का जिक्र उन्होंने किया, उन्होंने के उस वक्त की बात है पुरानी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग समवेयर अराउंड 2000
2012-13-14 में ये किताब मैंने पढ़ी, तो उन्होंने कहा जी कि वो बुक का नाम था द फ्यूचर ऑफ पावर, तो उन्होंने उसमें इंडिया का जिक्र आया कि सॉफ्ट पावर के हवाले से। उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर जो इंडिया की मोशन पिक्चर इंडस्ट्री है वो तकरीबन 1,000 मूवीज बनाती है डिफरेंट लैंग्वेजेस में। तो अब और ये भी बन के हॉलीवुड से भी ज्यादा जो मूवीज बनाते हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें दैट कि इंडिया ने अपना वो जो ब्रांड एस्टेब्लिश किया है, वो जिसे कहते हैं ना कि इंडिया इज नोन एज, एक दफा मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि हमारी मैडम ने हमें पढ़ाया, उन्होंने कहा कि इंडिया इज नोन एज, दुनिया में जो इंडिया जाता जाता है ऐसे कल्चरली दुनिया में जाना जाता है, हम दुनिया में जाने जाते हैं पॉलिटिकली स्ट्रेटेजिकली इन चीजों में। दैट इज ऑब्वियसली दैट इज अ बैड रेफरेंस कि अगर दुनिया को अफगानिस्तान में हमारी जरूरत पड़ गई तो आ गए हैं, अमेरिका ने अगर सोवियत यूनियन को गिराना है तो पाकिस्तान के अंदर आके मुजाहिदीन सारे इकट्ठे कर लो और वो बना लो, इंडिया को वो वहां पर जरूरत नहीं उनको इस तरह की चीजों। सो उनका जो कल्चर है, उन्होंने हिस्ट्री और वो इन चीजों को उन्होंने ज्यादा प्रमोट किया, और हमने अपना जो है वो जिहाद और इन चीजों में, मजहब सियासत और अपनी बड़ी हाई लेवल की पॉलिटिक्स, इन चीजों में हम पढ़ के। खैर एनी हाउ आप देखें कि आप जो सऊदी कल्चर मिनिस्टर थे वो गए वहां पे, उन्होंने बहुत सारी डील्स भी की हैं और वो एक रिलेशनशिप डेवलप। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में यहाँ पर कमर चीमा बात कर रहे हैं कि भारत की फिल्म इंडस्ट्री कितना बड़ा भारत के लिए एक मार्केट है, जो मतलब यूएई जैसी कंट्री को अट्रैक्ट कर रही है पैसा लगाने के लिए। अब यहाँ पर कमर चीमा ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी कहीं कि यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो, इन दोनों कंट्रीज़ मैं आपको पता है, स्पेशली सऊदी अरेबिया की बात करूँगा कि यहाँ पर कुछ एंटरटेनमेंट के नाम पे या फिल्म वगैरह ये इस्लाम में तो हराम है, ये चीज़ें यहाँ पर औरतों पर भी पाबंदी थी, ये सच बात है। आज से अगर 5-6 साल या 10 साल पहले जाएँ तो सऊदी अरेबिया में औरतों को ड्राइविंग करने तक की परमिशन नहीं थी, अकेले मतलब जाने की परमिशन नहीं थी। आप समझ सकते हो जो सख्त इस्लाम के रूल होते हैं वो पूरी तरह से फॉलो। लेकिन सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं और वहाँ के जो लोग हैं, अब उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इसी तरीके से चले और उनका तेल ख़त्म हो गया तो उनके पास अर्निंग का कोई भी तरीका दूसरा है नहीं, वो पूरी तरह से एक रेगिस्तान में रह रहे हैं। अर्निंग का केवल एक ही तरीका बचेगा, हज। हज से वो कितना पैसा कमाएंगे, क्योंकि उनके शौक़ बहुत बड़े हो गए हैं, जब से तेल निकला है तो ऑब्वियसली रईसी आ गई है, तो वो रईसी कंटिन्यू करने के लिए अब उन्हें ये सब चीज़ें हटानी पड़ेगी और सऊदी अरेबिया को एक ऐसा कुछ टूरिस्ट प्लेस बनाना पड़ेगा जिससे कि इन फ्यूचर सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी चले। तो अब देख सकते हैं आप, भारत में तो यूएई का भी बहुत पैसा इन्वेस्ट है और सऊदी अरेबिया लगातार भारत में इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है कि भाई इन फ्यूचर उनकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं से पैसा आए और बहुत सारे नई तरीके से मार्केट बनाए जाए पैसे कमाने के। तो ये सब चीज़ें हैं और ये सब चीज़ें वहीं हो सकती हैं जहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी हो, जहाँ पर कुछ दिख रहा हो, ग्रोथ हो, मार्केट हो। और पाकिस्तान के अगर लोग सोचे कि पाकिस्तान के साथ सऊदी अरेबिया मुस्लिम देश है, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाए तो जो पहले से ही बताए आपके जिनकी नाव में छेद है, कंफर्म है कि इनका इनकी फिल्म में पैसा लगाने से पैसा डूबना ही है, तो फिर वहाँ पे पैसा क्यों लगाया जाएगा? अगर आपके खाली इसलिए पैसा लगा दिया जाए कि आप मुस्लिम कंट्री हो, पाकिस्तान का आपको पता है, हालांकि इंडिया ने भी पाकिस्तान के आर्टिस्टों को बहुत ज़्यादा मौका दिया, बहुत काम करने का मौका दिया और जिसमें वो अच्छा भी काम करते थे, उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन वहाँ के लोग, वहाँ की आर्मी की पॉलिसी, वहाँ के पॉलिटिशियन, आपको भी पता है भारत के साथ क्या करते हैं, उस वजह से उन लोगों की भी दुकान यहाँ पर बंद हो गई, वहाँ के क्रिकेटर, वहाँ के कॉमेंटेटर सबकी दुकान बंद हो गई पाकिस्तान में। अब पाकिस्तानी रोते हैं कि भारत के साथ क्रिकेट सीरीज चालू हो, आपको भी पता है कि इससे पाकिस्तान का ही फायदा होना है, भारत का इतना बड़ा मार्केट पाकिस्तान के शेयर होगा, पाकिस्तान को फ्री फंड में बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो खत्म होता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद